नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में पिछले 5 महीनों से चर्चा का विषय बनी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम चरण में। कन्याकुमारी से शुरू हुई लगभग 10 राज्यों को कवर करते हुए 3000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी ये यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस यात्रा के दौरान इस बात से लगातार इनकार करती आई है और कहती आई है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है, लेकिन अब 30 जनवरी को यात्रा के समापन पर कांग्रेस ने कुछ ऐसा प्लान किया है जिसने देश की सत्ताधारी भाजपा और साहिब की नींदें उड़ा रखी है। दरअसल 30 जनवरी को इस यात्रा के समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 राजनीतिक दलों को चिट्ठी भेजकर आमंत्रित किया है। इस पत्र के जरिए कांग्रेस 30 जनवरी को कश्मीर में विपक्षी एकता की ताकत का भी प्रदर्शन करना चाहती है, जिससे जनता में ये संदेश जाए कि विपक्ष एक है और इसमें लगभग 9 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को कुर्सी से उखाड़ फेंकने की क्षमता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये भी लगातार कहा जाता रहा है कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, ये सिर्फ भाईचारे और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान है। लेकिन खड़गे की ये चिट्ठी साफ तौर पर जाहिर करती है कि कांग्रेस का मकसद 2024 के लिए विपक्ष को एक साथ लाना है। खड़गे ने जिन 21 दलों को चिट्ठी भेजी है उनमें ममता बनर्जी की TMC, नीतीश की JDU, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, TDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा, इसके अलावा कई सारी पार्टियों के नाम शामिल है। खड़गे ने अपने इस लंबी चिट्ठी में इन दलों से यात्रा में शामिल होने का निवेदन करते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति से यात्रा के सत्य करुणा और अहिंसा रूपी संदेश को मजबूती मिलेगी। मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने घृणा और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में इसी दिन अपना जीवन खोया था। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश संकट का सामना कर रहा है, लोगों के मुद्दे से व्यवस्थित ढंग से ध्यान भटकाया जा रहा है, तो ये यात्रा एक ताकतवर आवाज के रूप में सामने आई है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उपस्थित होंगे और इस संदेश को मजबूती देंगे। वहीं कांग्रेस ने तो अपनी ओर से इन दलों को न्योता भेज दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की ये मंशा पूरी होगी और ये राजनीतिक दल 30 जनवरी को एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें से कुछ दल ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव से पहले खुलेआम कांग्रेस के साथ आने से कतराते रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी थी। यहाँ भी राहुल गांधी ने प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल सपा बसपा RLD सुभासपा को निमंत्रण भेजा था, लेकिन शुरू में तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा काफी तल्खी दिखाई गई। हालांकि बाद में वो शामिल तो नहीं हुए, लेकिन एक पत्र के द्वारा राहुल को उनकी यात्रा और उनके मकसद के लिए शुभकामनाएं जरूर भेजी। ऐसा ही कुछ बसपा प्रमुख मायावती ने भी किया और यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं भेज दी। वहीं जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली RLD ने सामने आकर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। हालांकि व्यस्तता का हवाला देते हुए जयंत चौधरी खुद तो शामिल नहीं हुए, लेकिन बागपत और शामली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। साथ ही जयंत ने ट्वीट कर यात्रा का स्वागत भी किया। ऐसे में ये संभव है कि जयंत चौधरी 30 जनवरी को इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अखिलेश या मायावती के शामिल होने पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन यूपी से अगर इस यात्रा में शामिल होने वाले दलों की बात करें तो 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शिवसेना और NCP के नेताओं का साथ मिला था। यहाँ यात्रा में शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे और NCP की तरफ से सुप्रिया सुले ने यात्रा में शिरकत की थी। ऐसे में संभव है कि इन दोनों पार्टियों की तरफ से इस कार्यक्रम में कांग्रेस को समर्थन मिले। इसके अलावा 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल से TMC प्रमुख ममता बनर्जी शायद ही कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कोई तवज्जो दे और भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा बने। ममता की तरफ से अब तक यात्रा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। वहीं 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में भी इस समय नीतीश की JDU और तेजस्वी की RJD की सरकार है। RJD वैसे भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA का साथी रहा है। ऐसे में संभव है कि तेजस्वी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। हालांकि नीतीश के स्वभाव को देखते हुए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
वहीं कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखिया फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का कांग्रेस के निमंत्रण को स्वीकार कर शामिल होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला यूपी की यात्रा में शामिल हो चुके हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सलाम कर चुकी हैं। हालांकि इन दलों के अलावा जिन अन्य दलों को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, उनका इस कार्यक्रम में शामिल होना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका अपने राज्य में कांग्रेस से सीधा मुकाबला है, तो वहीं कुछ ऐसी भी हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के विरोध में रही है। ऐसे में कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे का 2024 से पहले विपक्षी एकता का ये प्रयास कितना सफल हो पाता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले लगभग 9 साल से देश की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि एक ओर इतने सालों से सत्ता पर काबिज संगठन और सहयोगी दलों से मजबूत भाजपा और दूसरी तरफ अपने मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस, इसके पास विपक्ष को एकजुट करने की चुनौती है, क्योंकि इस विपक्ष में कई ऐसे नेता हैं जिनकी खुद की इच्छाएं काफी बड़ी हैं और वो खुद को 2024 में एक बड़ा चेहरा मान रहे हैं। हालांकि अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के जिस संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाजपा के खेमे में और प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर चिंताओं की लकीरें जरूर गहरी हुई हैं। इस यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस और अपनी छवि को काफी हद तक मजबूत किया है। राहुल ने अपने इस यात्रा से देश की राजनीति को एक नई हवा और नई उम्मीद देने का भी काम किया है। पूरी यात्रा के दौरान राहुल किसी भी राजनीतिक वादे या आरोप प्रत्यारोप से काफी हद तक बचते रहे हैं। वो सिर्फ देश में प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे की बात को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस दौरान राहुल के वक्तव्यों में अध्यात्म और धार्मिक भावनाओं का भी समावेश देखा गया है। राहुल ने इस दौरान खुद को काफी हद तक बदलने का प्रयास किया है, जिसमें वो काफी सफल भी नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल की बदलती इमेज भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि जिसकी वो अभी तक लाखों करोड़ों खर्च करके पप्पू की छवि बना रहे थे, उसने 5 महीने की अपनी यात्रा के दौरान खुद को बदल दिया है और अपनी नई छवि को समाज और जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज राहुल गांधी ने एक ओपन लेटर भी जारी कर यात्रा में अपने अभी तक के अनुभव को भी साझा किया है। उन्होंने देश के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में भी राहुल ने प्यार मोहब्बत और भाईचारे की ही बात कही है। राहुल ने इस पत्र में लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। उन्होंने कहा कि मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों को बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। राहुल गांधी ने ओपन लेटर में बताया कि आपसी नफरत और झगड़ा हमारे देश के विकास में बाधक है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम सब समाज में बुराई पैदा करने वाले जाति, धर्म और भाषा के मतभेदों के ऊपर उठेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा आप सभी को ये ही संदेश है कि डरो मत, दिल से डर निकाल दो, नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी ने ओपन लेटर में लिखा कि सड़क से लेकर संसद तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ मैं लड़ूंगा। फिलहाल राहुल ने अपनी इमेज को अब जनता के सामने पेश किया है और इससे बेशक उन्हें और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिलेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि 30 जनवरी को कांग्रेस अपने इस विपक्षी एकता में कितना सफल हो पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।